अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। दोस्तों, एक महफिल में एक मुकर्रर दाखिल हुआ और एक मजमे के सामने स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कुछ चीजें उसने शेयर करना शुरू की। और चीजें शेयर करते करते, क्योंकि मजमा था, एक बहुत बड़ा मजमा था, कुछ उसमें कमोबेश 500 लोग शामिल थे, उसने अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट में से, अपने वॉलेट में से उसने 1000 रुपए का नोट निकाला और उसने मजमे में लहराते हुए पूछा, आप में से कौन सा फर्द ये 1000 रुपया मुझसे लेना चाहेगा? तो तमाम के तमाम जितने भी लोग उस महफिल में मौजूद थे, 500 के करीब लोग, तमाम लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो नोट हम लेना चाहते हैं। उसने कहा, ठीक है, ये नोट मैं आपको देता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे इसके साथ कुछ कर लेने दें। उसने अपने मुट्ठी को दबाया और वो नोट, जो कि एक बिल्कुल नया नोट था, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नोट था, बैंक से निकला हुआ, वो उसकी मुट्ठी में बिल्कुल चुड़मुड़ सा गया, बिल्कुल एक ऐसे जैसे कागज का हम लोग बचपन में गेंद बनाया करते थे, एक बिल्कुल छोटे से गेंद की शक्ल अख्तियार कर गया। और उसने फिर अपनी मुट्ठी में वो कागज, मुट्ठी को खोला और अपनी हथेली में वो कागज इस तरह रखा और सबसे मुखातिब होके पूछा कि अब ये नोट कौन लेना चाहेगा? तो तमाम जितने भी लोग थे महफिल में, सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये नोट हम लेना चाहते। उसने कहा, रुकिए, मैं कुछ और करना चाहता हूं इस नोट के साथ। उसने उसको जमीन पे फेंका, उसके ऊपर अपना पांव रखा और उसके बाद उसने झुक के वो नोट दोबारा से उठाया, उसको खोल के सीधा किया और उसके बाद उसने लहराया कि अब ये नोट कौन लेना चाहेगा। दोबारा से तमाम के तमाम लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया कि ये नोट हम लेना चाहते हैं, क्योंकि वह 1000 रुपए का नोट था। चाहे आप उसको बिल्कुल अपनी मुट्ठी में जकड़ लें, चाहे वो जमीन पे गिर जाए, चाहे उसको कोई धब्बा लग जाए, कोई स्पॉट लग जाए, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, क्योंकि वो 1000 रुपए का नोट 1000 रुपए का ही रहा। जब वो नया था तब भी वो 1000 रुपए का था, जब उस पर कुछ सिलवटें पड़ गई, कुछ तह हो गया, कुछ उसके ऊपर धब्बा लग गया, कुछ मिट्टी लग गई, तब भी उसकी वैल्यू वही 1000 रुपए की नोट की ही थी। तो दोस्तों, इसी तरह इंसानों की जो अहमियत और वैल्यू होती है, आप लोगों की जो वैल्यू और अहमियत है, वो कभी कम नहीं होती। आप लोग जिस फर्द के लिए स्पेशल हैं, आप हमेशा उस फर्द के लिए उतने ही स्पेशल रहेंगे जितना आप अच्छे हालात में थे, और जब हालात बुरे होंगे तो तब भी आप उस फर्द के लिए उतने ही स्पेशल रहेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिंदगी के हालात इस तरह बदलते हैं, हालात कुछ इस तरह नशेबो फराज अख्तियार करते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है, पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों के रोजगार के मसले हैं, बहुत सारे लोगों के माशी मसले हैं, बहुत सारी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इससे आप लोगों की अहमियत और वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आज भी उतने ही स्पेशल हैं जितना स्पेशल आप इस लॉकडाउन से पहले थे अपनी जॉब में। आप वही कैपेबिलिटी और वही सलाहियत के मालिक हैं जिस सलाहियत के मालिक आप पहले थे, क्योंकि इंसान की जो पर्सनालिटी और उसकी जो नेचर होती है वो हालात के साथ ग्रूम होती है। हालात बुरे हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उन मसाइल में, उन बुरे हालात में, उस बुरे वक्त में इंसान की वैल्यू वही रहती है दूसरों के लिए जो अच्छे वक्त में रहती है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस बुरे वक्त में अपनी हिम्मत नहीं हारनी, अपना हौसला बरकरार रखना है और अच्छे वक्त का इंतजार करना है, तो जिंदगी दोबारा से आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। तो इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, हिम्मत नहीं हारें, हौसला रखें अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप स्पेशल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। तो इंशाल्लाह हालात जैसे ही ठीक होंगे, आप जिंदगी की दोबारा उस ऊंचाई को छुएंगे जिस ऊंचाई पे आप पहले थे, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत दें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।